देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के मूलभूत ढांचे के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है और अगले एक दशक के दौरान ये स्वास्थ्य के मामले में पूरी दुनिया में बड़ी क्रांति ला सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान कहा कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई को लागू करने के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही है और आने वाले स्वास्थ्य बजट में भी इसका ख्याल रखा जाएगा। देखिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल के साथ ये खास बातचीत। देश के स्वास्थ्य को लगातार सुधारने के लिए भारत सरकार कई पहल कर रही है और इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत कई सारे सुधार भारत सरकार की ओर किए जा रहे हैं। और जिस तरह से आज दिल्ली में एक डिजिटल हेल्थ समिट चल रहा है, इसमें बात करने के लिए डॉक्टर वी के पॉल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितना बड़ा इनिशिएटिव भारत सरकार जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और एआई एक बहुत बड़ा चेंज मेकर साबित हो रहा है। डिजिटल हेल्थ में भारत की लीडरशिप और भारत की मेहनत, भारत के प्रोडक्ट, भारत की यू नो अचीवमेंट्स आर नोन वर्ल्ड द वर्ल्ड ओवर। डिजिटल हेल्थ के द्वारा सेवाएं हुई, कोविड में आपने खास कर देखा, अभी जैसे मालूम है इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम में यूविन के को डेवलप कर लिया गया है, उसको भी रोल आउट करेंगे। टेलीमेडिसिन है, ई संजीवनी है, टेलीमानस है और ऑफकोर्स हॉस्पिटल्स में डिजिटल सिस्टम को यूज़ करके प्राइवेट में गवर्नमेंट में उनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई विजडम से, उस नॉलेज से, इस नई टेक्नोलॉजी विद इन डिजिटल हेल्थ में आके एक पोटेंशियल रेवोल्यूशन अब सामने दिखना शुरू हो रही है। बहुत अहम सवाल यह है कि जिस तरह से कोविड के बाद टेलीमेडिसिन को पूरे देश में देखा गया और ग्राउंड जीरो तक जिस तरह से आयुष्मान भारत आरोग्य सर्विस जो है, जिसको हम आरोग्य मंदिर कहते हैं, उससे स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। हमारी डिजिटल हेल्थ की जो ताकत है वो बहुत आगे तक है, सब दुनिया देखती है हमारी लीडरशिप को। आपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात कही है, 1,79,000 बन गए हैं और उन सब में टेलीमेडिसिन एक इसेंशियल सिस्टम और सर्विस है। इसेंशियल वो होना ही है, हो ही रहा है और वहीं से अब हम आभा जो हेल्थ अकाउंट है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, इंडिविजुअल हर मेरे पास भी कार्ड है जो कि जिसके बेस के ऊपर मेरी आइडेंटिटी है, वो मेरा हेल्थ का आधार है, उसमें मेरे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, उसमें मेरा जो हेल्थ का रिकॉर्ड है वो आ जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन आ जाएंगे। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ का ब्लूप्रिंट देश ने ऑलरेडी बना के रखा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के अंतर्गत वो सब बातें ऑलरेडी सालों से करके उस पर हम चले हुए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी आमचूल परिवर्तन किए हैं और जिस तरह से पिछले 10 सालों में देखें तो भारत अग्रणी पायदान पर पहुंच रहा है। इस वक्त फिर से NDA का बजट आने वाला है, स्वास्थ्य को लेकर सर किस तरह की अपेक्षाएँ, किस तरह की स्वास्थ्य की तस्वीर भारत की होगी? माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य के ऊपर फोकस वेल नोन है, पिछले 10 सालों में रिवोल्यूशनाइज हुआ है, सर्विसेज में भी, ह्यूमन रिसोर्सेज में भी, डिजिटल हेल्थ में भी, कोविड के परिप्रेक्ष्य में भी, तो हम उसी श्रृंखला में, उसी कंटिन्यूम में इस बजट में भी बहुत चीज़ें आगे आएंगी। लेट्स वेट फॉर द बजट डे। ये थे नीति आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर वी के पॉल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में भारत की स्वास्थ्य की तस्वीर कुछ और बेहतर होगी और उसमें AI एक अहम रोल अदा कर सकता है। अमरेंद्र गुप्ता, DD News, दिल्ली।